अबे पार्वती क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर आप कृपा ना करेंगे, आप अगर कोई मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बनाएंगे जो मैं किस तरह से आपके संग कर सकूं, तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, मैं होपलेस हो गई हूँ। एतवली शि पार्वती गौर पद धूलि, सीमंते लैला सती करी आकुली। तब क्या करते हैं ये, इस श्लोक से हम समझ पाएंगे कि इसके नाम सीमांत द्वीप हुए हैं। तो क्या करते हैं वो, पार्वती जी महाप्रभु के चरण धूलि लेती, और सीमांत, सीमांत मतलब कहते हैं जो माता लोगों की यहाँ होते हैं ना दोनों तरफ से, अब लोग बाल को क्या करते हैं, तो ये जो बीच में है जो है उसको कहते हैं सीमांत, सीमा की अंत। तो यहाँ उनने यहाँ सिंदूर देते हैं ना, तो इस तरह से पार्वती जी क्या किए हैं, महाप्रभु के चरण धूलि दिए हैं। সেই হইতে সীমান্ত দ্বীপ নাম হইল, শিমুলিয়া বলে অজ্ঞ জনেতে কহিল। और उस टाइम से इसके नाम क्या हो गया है, সীমান্ত দ্বীপ। और बस इग्नोरेंट जो है उन लोग ही क्या करते हैं, इसको शिमुलिया बुलाते हैं। इसके बाद भी श्री गौरांग चंद्र तबे प्रसन्न होया, बलिल पार्वती सुनो कथा मन दिया। तब महाप्रभु बहुत खुश होकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती अच्छा से बहुत ध्यान से सुनो, তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্বেশ্বরী, তুমি এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী। তো বলতে ইউ আর নট সেপারেটেড ফ্রম মি। তো আবি চিত্রমূল ক্লিয়ার কর রহে হ্যায়, বলে তোমারা যো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হো রহা হ্যায় না, যো মে তুমকো বাহার রখ দিয়া সেবা মে, যো সেবা দিয়া ও আচ্ছা সেবা নহীঁ হ্যায়, হ্যায় না? কভি কভি হমকো কমপ্লেন হোতা হ্যায় না, ইয়ে যো সেবা দিয়া আপনে প্রভু জি টেম্পল মে হ্যায় মেরে সাথ ফেয়ার নহীঁ হ্যায়, মতলব মে তো অর্চন করনে কর সকতি হুঁ কর সকতা হুঁ, है ना, मुझे आप दिए बर्तन सफाई में, है ना, और सारे लोग तब अभिषेक करता है और मैं वहां बर्तन सफाई करते रहती हूँ, तो यह तो सही नहीं है, मैं भी तो सेकंड इनिशिएटेड हूँ, है ना? तो पार्वती जी तो ऐसे कह सकती हैं। तो कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, अभी आपने आपकी साइड से पॉइंट रखा, अभी सुन लीजिए आप भी, यू आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मी, यू आर माई एनर्जी एंड द गॉडेस ऑफ ऑल माई कंसर्ट, माई सिंगुलर एनर्जी हैज टू फॉर्म। अभी बोलेंगे क्या क्या है, बोलेंगे मेरे शक्ति है स्वरूप शक्ति थे तुम्हें राधिका अमान, बहिरंगा रूपे राधा तुम्हारे विस्तार। तो बोलते एज माई पर्सनल एनर्जी यू आर राधिका, एज माई एक्सटर्नल एनर्जी राधा एक्सपेंड्स एज यू, समझे? क्योंकि ये महामाया के नहीं कह रहे, युग माया के बारे में कह रहे हैं। तुम्ही नहीं मोरो लीला सिद्ध नहीं हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं लीला ही कहाँ से करता, कोई लीला ही नहीं होगा। तुम्ही युगो माया रूपे लीला ते निश्चय, एंड एज युगो माया यू आर सर्टेनली इन्वॉल्व इन माई पास्ट टाइम्स। तो तुम युगो माया के रूप में मेरे लीला में हमेशा ही हो, और तुम्हारा बिना कोई लीला ही नहीं होता है। और बोलते ब्रजे तुम्हें पूर्णमासी नित्य काल, नवद्वीपे पौर्णमाया सह क्षत्रपाल। बोलते ब्रज में तो तुम पूर्णमासी के रूप में रहते हो, और नवद्वीप में पौर्णमाया के रूप में रहते हो, क्षत्रपाल मतलब शिव जी के साथ। मतलब महाप्रभु कह रहे कहा नहीं दिया आपको मौका, है ना, बर्तन सफाई करने के बाद भी तो आपको अभिषेक के लिए हमने बुलाया है, ऐसा नहीं है बस मौका ही नहीं दिया गया है, प्रसाद तो दिया ना आपको टाइम पर। यतवली गौरांग होइला दर्शन, प्रेमाविष्ट होए रहे पार्वती रमन। और बोल दिया अभी हो गया ना, हरे कृष्णा अभी हम जाते, हमारे भी बहुत सेवा है। तो महाप्रभु चले गए। यतवली श्री गौरांग होइला दर्शन, प्रेमाविष्ट होए रहे पार्वती रमन। और पार्वती तब तो प्रेमा प्रेम में आविष्ट कर है, सिमंतीनी देवी रूपे रहे कविते, पौंडो माया मायापुरे रहे गौरपिते। आउट ऑफ लव फॉर श्री गौरांग पार्वती रिमेन्स हियर एज द गॉडेस ऑफ सीमांत द्वीप एंड इन मायापुर एज पौंडो माया। तो वहां अभी तक मंदिर है सीमांत देवी की, अगर जाएंगे तो हम दर्शन कर सकते हैं। हमको याद है हम जब 2016 में अगर परिक्रमा करने गए थे, तब हम वहां ड्रामा कर रहे थे, परिक्रमा में ड्रामा होता है, अगर आप लोग जा गए हैं मायापुर परिक्रमा टीम के साथ, तो वह हमको मौका मिला था चैतन्य महाप्रभु के रोल करने के लिए, और इस तरह से सारे डायलॉग बोलने के लिए। तो मुझे याद है एक प्रभु जी माता जी बने थे, तो उसमें तो हम गलत डायलॉग बोल दिए थे उनको।
सीमांत, वहां सीमांत देवी की मंदिर है, तो वहां इस्कॉन के जब परिक्रमा आते हैं तो वहां एक दिन रुकते हैं, वही पंडाल बनाते हैं, वही रहते हैं, बहुत सुंदर है। यथोवलि नित्यानंद काजीरनगरे प्रवेशिला जीवालये सकन सत्तरे। और उसके बाद अभी सीमांत देवी की मंदिर हो गया, अभी काजी की जो नगर है, काजी के नगर में गए हैं शिला जी गोस्वामी का लेकर। प्रभु बोले वह जीव सुना वचन काजीरनगर यही मथुरा भुवन। ये जो काजी की नगर है उसको क्या कहते हैं, मथुरा है ना, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न है। तो ये जो काजी की जो नगर है वो क्या है, मथुरा है। और जो काजी वो कौन है, मथुरा की राजा कौन है, कंस। तो काजी कंस के मतलब कंस ही काजी के रूप में आए हैं। हेता श्री गौरांग राय कीर्तन करिया काजी निस्तारिला प्रभु प्रेम रत्न दिया। और उस टाइम पर तो महाप्रभु क्या किए, कृष्ण के रूप में तो उनको मार दिए, हत्या किए, वध किए उनके। लेकिन इस बार भगवान ने लीला की जो मूड एंड मिशन ही चेंज कर दिया, तो इस बार क्या किया, प्रेम दे दिया उनको, प्रेम देकर उनको उद्धार किए। श्री कृष्ण लीलाए जय कंस मथुराय श्री गौरांग लीलाए चात का जिनाम पाए। तो ऐसा हम कोई ऐसे मौन से नहीं कह रहे थे, देखिए यहाँ क्या कहते हैं, श्री गौरांग लीलाए जय कंस मथुराय गौरांग लीलाए चाद का जी नाम पाए। जो कृष्ण लीला में जो कंस है मथुरा में, और गौरांग महाप्रभु की लीला में वही चांद का जी है। ए जन्न प्रभु तारे मातुल बलिलो भय काजी गौर पदे शरण ले लो। और जब आप सब जानते, जब मृदंग तोड़ दिए थे शिवाशंगन में आकर, तो महाप्रभु पूरा पार्टी मतलब सारे भक्तों को लेकर मशाल हाथ में लेकर अभयचरण सीरियल जो गुरु महाराज ने बनाया उसमें आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें जाते हैं और जाके उनको बोलते हैं आप तो मेरे मामा जी हो। तो उस टाइम पर वो भी कहते थे तो तुम तो मेरे भंजे 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 कहते ना, बहन की बेटे हो तुम, तो तुम मुझे मारने क्यों आए हो। तो महाप्रभु कहते मैं तो मारने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आए हैं। तब उसके बाद वो कहते हैं, हम सामने पढ़ेंगे, कीर्तन आरंभ काजी मृदंग भांगेलो हुसैन सहार बले उत्पात करेला। हुसैन शाह की बोल से हो, क्योंकि हुसैन शाह राजा थे और वो उसके अंडर पर एक काजी, एक सिटी की इंचार्ज थे। तो काजी क्या किए, हुसैन शाह ने ऑर्डर दिया इस तरह से, नहीं काजी के पास आके कंप्लेन दिए, जो इस तरह से कीर्तन करते रहते, क्या करते रहते, आप कुछ करो नहीं तो आपकी पूरा धर्म पूरा गया है, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी ज्वाइन कर लिया, आपकी मुस्लिम भी ज्वाइन कर रहे हैं वहां, और आप मतलब आपकी पूरा धर्म गए हैं। तो इसलिए काजी जाकर वहां मृदंगा तुड़वा देते हैं। और हुसैन शाह कौन है, और जरासंध है। तो बोलते हुसैन शाह से जरासंध गौर राजेश्वर ताहर आत्मीय काजी प्रताप बिस्तर। जैसे वहां जरासंध कंसों के क्या थे, कंसों के लड़के की मतलब दामाद है ना, फादर इन लॉ है, नहीं क्या है, सन इन लॉ है। सन इन लॉ है ना, कम से के दो बेटी को शादी किया ना जरासंध ने। फादर इन लॉ ऑफ कम्स, या सन इन लॉ ऑफ कम्स। कम्सा इज जरासंध सन इन लॉ। कम्सा इज जरासंध सन। यस ओके ओके। जब ओके ओके हमसे तो कुबलया पीर किसके थे, जरासंध की। हाँ हमसा साहब से गांड। ओके ओके हाँ, स्विच हो गया था। और अभी क्या बोलते हैं काजी, क्या कहते हैं, बोलते हैं प्रभु तारे निशिंग और रूपेते दे भय भय कंस समक काजी जरस रहा। और काजी का सपनों में आते और कंस नरसिंह रूप में आके उसको छाती पर बैठ जाते, बैठ के बोलते बेटा तुम कीर्तन बंद करवाना चाहते हो, तुम्हारा बस आज ही काम खत्म हो जाएगा, याद नहीं क्या तुमको मारा था जब एक ही मुक्के से तुम गए थे काम से, अभी फिर से मारू क्या। तब ये काजी कहते जब महाप्रभु आते हैं, बोलते इस तरह से एक मतलब एक व्यक्ति है जो पूरा मुंह सिंह जैसे है, शरीर इंसान जैसे, वो मेरे छाती पर बैठ जाते, बैठ के नाखून से मेरे यहाँ, उसके बाद दिखाते भी है उसको नाखून की यहाँ अचर है
स्क्रेच है। तारे प्रेम दिया कैलो वैष्णव प्रदान, काजीर निस्तार कथा सुने भाग्यवान। तो काजी के निस्तार जो सुनते हो भाग्यवान है। ब्रज तत्व नवद्वीप तत्व देखो भेद, कृष्ण अपराधी लवे निर्वाण अवेद। हेना अपराधी प्राय प्रेम रत्न धन, अतएव गौरव लीला सर्व परिहन। हम पहले क्लास में चर्चा कर रहे थे जो चैतन्य महाप्रभु लीला और नवद्वीप और वृंदावन में क्या अंतर है, यही अंतर। ब्रज तत्व नवद्वीप तत्व देखो भेद, भक्तिनाथ ठाकुर कहते ये देखो ब्रज तत्व और नवद्वीप तत्व में भेद देखो, डिफरेंस क्या है। तो क्या है डिफरेंस? कृष्ण अपराधी लवे निर्वाण अवैध, जो कृष्ण अपराधी है वो निर्वाण मतलब उसको लिबरेशन मिलता है, मुक्ति मिल जाता है ना, ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन बोलते हेता मतलब नवद्वीप में हेता अपराधी प्राय प्रेम रत्न धन, लेकिन यहाँ जो अपराधी उसको प्रेम रत्न मिल जाता है। वो अतएव गौर लीला, अतएव मतलब मतलब कहते हैं ना जब कंक्लूशन देते हैं कुछ दस, अतएव देयरफॉर गौर लीला सर्वपरि हम, इसलिए गौर लीला है सर्वपरि। सर्वपरि का ट्रांसलेशन कर दिए अबव ऑल। ओके अभी बहुत सुंदर। गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुण, अपराध नाही माने तारी ते निपुण। ऐसा नहीं मतलब इस नाम में अपराध नहीं, इसका मतलब बोलते ना जिस काम में कष्ट नहीं है वहां से रिजल्ट भी ज्यादा नहीं अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की धाम, चैतन्य महाप्रभु की नाम, चैतन्य महाप्रभु की रूप और गुण जितना इतना ही शक्तिशाली है और अपराध भी नहीं लेते हैं। मतलब आपको सबसे महंगा से महंगा चीज मिलेगा लेकिन पैसा नहीं देना पड़ेगा, इस तरह से है ना। अगर हम धाम पर जाते तो अपराध की भय रहते, जिस तरह से हम प्रोग्रेस करते इस तरह से डिग्रेडेड भी हो सकते हैं वृंदावन में। लेकिन नवद्वीप में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के नाम में, उसके बाद देखते हैं हम क्या कहते हैं। यदि अपराध थाके साधक मने, अगर अपराध कोई साधक के मन पर रहता है, कृष्ण नामे कृष्ण धामे तारे बहु दिने, और कृष्ण नाम और कृष्ण के धाम में बहुत समय लगते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि आप देखो ना चैतन्य महाप्रभु कैसे आए हैं, ऐसे पूरा सीधा है ना, और कृष्ण की स्वरूप देखिए, श्यामम त्रिवंग ललित नियत प्रकाशन, त्रिवंग है। तो इसलिए बहुत समय लगते हैं। अगर कोई बोटल में अगर कोई एक बोटल के अंदर आप एक सीधा लाठी को घुसाना चाहते हैं तो क्या कठिन रहेगा? क्या बहुत तुरंत चले जाएगा? अगर ऐसे थ्री बैंड कोई ऐसे उसको घुसाना चाहेंगे तो बोटल टूट ही जाए। तो इसलिए व्यक्ति अपराध से मुक्त होते होते उसकी हालत ही खराब हो जाता है। लेकिन गौर नामे गौर धामे शब्द प्रेम है, अपराध नाही तार बाधा उपजय। और गौर नाम में गौर धाम में हमेशा प्रेम होता है और अपराध कभी नहीं होता है, इसलिए इसमें बाधा नहीं आते हैं। इसलिए हमारे कृष्ण महामंत्र करने के पहले क्या करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा, सो दैट हम सेफ हो जाए। हे चैतन्य महाप्रभु प्लीज, हे नित्यानंद प्रभु, हे अद्वैताचार्य प्रभु, हे शिवाष्ट गुरु, हे गदाधर पंडित, हे समस्त गौर भक्त वृंदा, आप हमको आप सब हम मुझे आशीर्वाद करें तो मैं अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र के जप करूं, तब जब प्रोटेक्शन मिल जाते हैं हमको तब हम अच्छे से चंटिंग कर सकते हैं। वही देखो वह जीव काजी रो समाधि, देखिले जीवे रो नाश होय आदि व्याधि। तो काजी की समाधि दिखाते हैं और कहते हैं इसको अगर देखते हैं कोई तो क्या होता है, देखिले जीवे रो नाश होय आदि व्याधि, उनके जो सिकनेस है, जो दुख है, जो बीमारी है, सब खत्म हो जाते हैं। वह दो पैर है, आप लोग देखे क्या नहीं, मुझे परिक्रमा जब हम कर रहे थे दो पैर है ना, एक बकुल की पैर है और एक तो और कुछ तो पैर है, तो दोनों पैर ऐसे इस तरह से मानो लग रहे थे दे आर हगिंग ईच अदर, एम्ब्रेस करे हुए हैं। राधा पद्मा को याद नहीं है, ओके तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु जाते हैं शरडंगा, तथा गया श्री जी मेरे बोले ना बच्चन वैदिक शरडंगा अपूर्व दर्शन, शरडंगा पर जाते श्री शरडंगा नाम अति मनोहर जगन्नाथ वैश्य जता लैया शवर। तो द नेम शरडंगा इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल,
जगन्नाथ रिसाइड्स देयर विद द शबरास, जैसे जगन्नाथ की सेवा कौन करते हैं, पांडा करते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ की तबीयत खराब होती है तब कौन सेवा करते हैं, सबर, तो सबर के साथ यहाँ जगन्नाथ वास कर रहे थे। पूर्वे जवे रक्त बाहु दौरात्म करिलो दयिता सहित प्रभु हेता आइलो। Previously, when a demon named Raktavahu was on a rampage, the Lord came here with the Shavaras. समझ गए किस तरह से आए भगवान यहाँ शवर के साथ? कि पहले शवर जाति भगवान की पूजा करते थे, जो नील माधव श्री पुरुषोत्तम समय धाम है नित्य जगन्नाथ स्थिति तथा निश्चय। This place is also non-different from Shri Purushottam Kshetra. Jagannath certainly resides here eternally. तो इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुरी से अलग नहीं है। इसलिए कहते ना, अगर कोई नवद्वीप परिक्रमा एक बार कर लेते तो उसको सारे परिक्रमा, इसलिए कहते ऐसा नहीं ऐसे ऐसे बोल देते, सारे परिक्रमा क्यों हो जाते, उसमें सारे चीजें, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जितने भी एसोसिएट्स है, इतना ज्यादा एसोसिएट्स नहीं है, लेकिन सबके अंदर एक एक के अंदर दो दो पर्सनैलिटी है, तीन तीन पर्सनैलिटी है, क्योंकि भगवान खुद ही दो पर्सनैलिटी है, एक कृष्ण एक राधा, राधा रानी। तो इसी तरह से नवद्वीप धाम तो अलग तो नहीं होगा ना, तो धाम में भी सब कुछ है, नवद्वीप है, मथुरा है, द्वारका है, कुरुक्षेत्र है, बद्रिकाश्रम है, और अभी हम क्या देखे जगन्नाथपुरी है। इस तरह से सारे धाम है यहाँ, और उसके बाद लास्ट में वो कलावेचा श्रीधर के घर पर जाते हैं, और कलावेचा श्रीधर आप जानते हैं कलावेचा श्रीधर के साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला इस तरह है, जो भगवान कलावेचा श्रीधर के पास जाते हैं और भगवान को बड़े मजा आते हैं उनके साथ बहस करने में। तो जाके जो बेनाना है कच्चे कच्चे बेनाना, तो महाप्रभु जाके बोलते थे ये मुझे दे दो, तो बोलते कितना रुपया है, तो बोलते एक पैसा है, तो महाप्रभु कहते क्या डाकू बन गया तुम यार, मतलब एक पैसा इसके कैसे होगा, उसको नहीं देंगे हम, उसको हम कुछ ऐसे पैसा मत लो ना, दे दो हम, देखो कितना सुंदर है देखने में, इस तरह से महाप्रभु उनको ब्लैकमेल करते थे। तो कलावेचा श्रीधर कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो आप जो पैसा दोगे उससे ही हम हमारा फैमिली चलेगा, उसके बाद गंगा पूजा करेंगे वो करेंगे। तो फिर गंगा पूजा करके तुम क्या करोगे, गंगा की जो हस्बैंड हो वह खड़ा है तुम्हारे सामने और तुम गंगा पूजा करने जा रहे हो। तो बोलते नहीं नहीं तुम कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे। तो महाप्रभु क्या करते, अच्छा नहीं रहोगे तो हम छीन लेंगे, तो महाप्रभु छीन के लेके चले जाते। इसलिए कहते भक्ते रे प्रभु भक्ते रे अन्न प्रभु कारी कारी खाए, जो भक्त है उसके जो हाथ से भगवान जोर जबरदस्ती करके लेके जाके खाते, और अभक्तर अन्न प्रभु पाछे ना फिराए, और जो अभक्त है उसके जो खाने खाना है वो जो भी बनाते उसके तरह भगवान मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो ये है भगवान की कृपा। तो हम देखेंगे इसी चैप्टर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी श्रीधर के घर पर भी जाते हैं, और श्रीधर भी बहुत खुश होते हैं जो महाप्रभु आए हैं। ओके, तो इस तरह से सीमांत द्वीप की परिक्रमा यह खत्म होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, स्वागत गौर भक्त वृंद की, आई गौर प्रेमानंदे। एंड कोई भक्त का कोई सजेशन कोई करेक्शन? प्रभु एक क्वेश्चन पूछना था, सीमंत द्वीप और राजापुर एक ही जगह है? मुझे भी यही लग रहा है, हमारा जगन्नाथ मंदिर वहाँ ही है, क्योंकि कहते हैं ये जगन्नाथ मंदिर को वॉक करके जाते हैं तो फिर पार्वती जी का जो हाँ वही है, पानी के बीच में ना, पानी का पॉन्ड है उसके बीच में एक वो है, वो कौन है? सीमंत देवी है ना उनका नाम, वो भी तो सीमंत देवी है, जो कि पार्वती जी का भी जो स्टोरी सुना हुई मैच हो रहा है वो। नहीं, राजापुर मंदिर से पीछे जो है सीमंत मंदिर है, वही वहाँ पीछे ही है ना, हम गए थे मंदिर है, फिर चलते आते वापस जब आते तो वो पेड़ है, किस चीज प्रभु स्मृति दर है, हम को जाना पड़ेगा फिर से। हाँ किसी का कोई प्रश्न है तो, मुझे पता नहीं पहले क्लास में कोई माताजी प्रश्न पूछे थे शायद, मैं देख नहीं पाया, तो माताजी अगर आप है अभी तो पूछ सकते हैं।
नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि रामचंद्र जी का क्या कनेक्शन था वो हम जो हम पढ़ रहे थे जी हरे कृष्ण प्रभु जी जी हाँ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि वो आप बोल रहे थे ना कि मतलब भगीरथ जो है वो गंगा देवी से कहते हैं कि मतलब वो एंसेस्टर्स को डिलीवर करने के लिए तो वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं माघ महीना चल रहा है फाल्गुन महीने में वो आएंगी, पर भगवान राम अगर वहां पर आए थे तो अगर भगवान राम उनके तो उनकी डायनेस्टी तो वैसे ही मतलब उनका उद्धार तो हो ही गया, अगर भगवान राम स्वयं ही वहां आए थे तो उनको अलग से गंगा देवी को पूछने की आवश्यकता तो है ही नहीं। सही बोला, लेकिन अगर भगवान ने उसको ऐसे एशेस बनाए हैं तो क्योंकि उनके जो एशेस बनाए हैं और कोई नहीं बनाए थे, लॉर्ड कपिल देव बनाए थे, भगवान कपिल देव ही, तो इसलिए जो कपिल देव से पूछा गया है भाई अभी हमारा जो एंसेस्टर है उनको जो पूर्व पुरुष है उनको उद्धार कैसे होगा, तो तब वो ही बोले थे अगर गंगा जी की जो जल है वो अगर तुम्हारा ये जो एशेस है उसके ऊपर जब लगते हैं तो वे पवित्र हो मतलब वे उद्धार हो जाएंगे, तो इसलिए और देखिए भगवान अच्छा, मतलब भगवान की वैसी लीला है किस प्रकार। हाँ भगवान की लीला है और एक्चुअली में गंगा देवी को पृथ्वी में लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा जी। और एक और बात आपको पता है क्या, वो जहाँ पे विष्णुप्रिया देवी जी का जो मतलब घर है, मतलब उनका जो विष्णुप्रिया देवी का जो मायका है वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी का एक मतलब विग्रह है जहाँ पर विष्णुप्रिया देवी जी महादेव नहीं चैतन्य महाप्रभु ही, तो उनकी आराधना विष्णुप्रिया देवी जी करती थी उनके घर में, तो वो नवद्वीप में कौन सा वाला आइलैंड है वो मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन मध्यम द्वीप में होगा क्योंकि वहाँ धामेश्वर महाप्रभु है वो ही है जो विष्णु प्रिया अर्चित करते थे, मतलब जिसमें अच्छा किसमें कुलद्वीप कुलद्वीप में मैं आप देख सकते हैं सर्च करके अगर कुलद्वीप में जहाँ धामेश्वर महाप्रभु है जिसमें जो विष्णु प्रिया अर्चित करते थे क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है जी। वहां पर एक वो भी है पोड़ामा वो उनका एक मतलब वटवृक्ष है, वटवृक्ष से वो ओरिजिनेट हुई, तो मतलब वो वाला एरिया नवद्वीप का कौन सा एरिया वो पूछना था। हाँ तो जस्ट गंगा मतलब एक बैनियन ट्री है वटवृक्ष, तो वो वटवृक्ष से हम आपको इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मुझे अभी मतलब एक्जेक्टली पता नहीं कौन सा द्वीप में है। हाँ राधा कृष्ण देव को पता है तो नहीं प्रभु ये डीटीज हैं, ये जो पार्वती जी और हाँ गौरा हाँ प्रभु सीमंत द्वीप में ये डीटीज हैं राजा टेंपो के पीछे। ओके ओके ठीक है श्री राम माता जी, और कोई भक्त को कोई सजेशन कोई कोई कुछ कमेंट कोई कुछ करना चाहेंगे वेंकटेश्वर प्रभु, सो वुड यू लाइक टू गिव अस एनी सजेशन एनी करेक्शन एनी ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा सुधर्मा माता जी, सो आप कुछ कहना चाहेंगे अश्वदेव हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इतना सुंदर से समझाते हैं, सॉरी मेरा ये दो क्लासेस तीन क्लासेस मिस हुए हैं। नहीं 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 माता जी हमको पता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर एनर्जी एंड योर टाइम। हरे कृष्णा, कोई करेक्शन आपके तरफ से हम ऐसे कोई हरे प्रभु जी सजेशन क्या करेक्ट करेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपके मुखारविंद से सुनने को मिलता है, हमें ऐसे लग रहा कि हम नवद्वीप में है प्रभु जी। वाह दिस इज सो नाइस दैट यू आर एबल टू ब्रिंग माय फॉलन कॉन्शियसनेस टू नवद्वीप धाम। Your fallen consciousness for Navadvip. Hare
या कॉन्शियसनेस फॉर एंटी नवद्वीप, तो ये हमका आशीर्वाद करे जो हम भी मानस, मुझे एटलीस्ट करे जो मैं मानसिक रूप से एटलीस्ट नवद्वीप धाम के स्मरण कर सकूं। हरे कृष्ण। तो ठीक है, विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नवद्वीप धाम की जय। मायापुर धाम की जय। सनातन कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। नेक्स्ट नेक्स्ट गोद्रुम है क्या? हम देख लेते अभी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सुवर्ण विहार एंड श्री देवापल्ली, ये पढ़ेंगे जहाँ नरसिंह देव आते हैं। हाँ देखते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद ही। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच मायापुर। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।